हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुल। स्वागत है आपका आरोहण में। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज के वीडियोस। अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं, यदि आप हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको डिफरेंट इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो उसके ऊपर हमने वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं। हमने वीडियोस प्रोवाइड किया हुआ है चार्ज के ऊपर, करंट के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर एंड रेजिस्टेंसेस के ऊपर, और उसमें और भी जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं रेजिस्टेंसेस के ऊपर वीडियोस अभी और आएंगे, और जो हमारे कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। यदि हम उस वीडियो को गौर से देखें तो हमें ये मिलेगा कि जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं, यदि वो अपने सिलेबस को देखेंगे, जो उनके डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में जो उनका सब्जेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यदि हम उस सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जो भी मैंने बोला चार्ज के, करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंसेस, ये सब उनके थर्ड सेमेस्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये सारे टॉपिक उनके सिलेबस फर्स्ट यूनिट में ही मेंशन है। तो हमने एक प्रकार से बोल सकते हैं कि हमने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज के लिए उनके फर्स्ट, मतलब जहां से उनका मेन स्ट्रीम जो है इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम जो स्टार्ट हो रहा है, वहां से हमने वीडियोस प्रोवाइड करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमारा जो डिप्लोमा कोर्सेस है वो तो हमने स्टार्टअप में ले लिया है, उसके हमने कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं, और आज के इस वीडियो से अब हम इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, हम उनके लिए आज से उनके स्टार्टिंग सेमेस्टर से वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा अब जो डिप्लोमा कोर्सेज के जो हमारा वीडियोस हैं उसका एक कंटिन्यूशन बने रहेगा। हम बिल्कुल उस सिलेबस के वाइज, जो हमारा थर्ड सेमेस्टर में जो सिलेबस है बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने वीडियोस प्रोवाइड किया हुआ है, उसी के चैनल में हम आगे भी सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, पॉइंट टू पॉइंट हम वीडियोस आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के सेशन से, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेस इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम फ्रॉम दी फर्स्ट सेमेस्टर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट जो हमारा यूनिट है दैट इज़ डीसी नेटवर्क। सब्जेक्ट का नाम जो है दैट इज़ दी एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट होता है दैट इज़ कॉमन टू ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच, मतलब जो भी ब्रांच हम चूज़ करेंगे इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए, तो वहाँ पर चाहे हमने चूज़ किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईटी, कोई भी ब्रांच हमने चूज़ किया हुआ है, तो इन दी फर्स्ट ईयर यू कैन से, किसी जो कुछ ब्रांचेस के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ ब्रांचेस के लिए ये जो है हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, दैट इज़ दी कॉमन फॉर फर्स्ट ऑल दी ब्रांचेस फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे इसके नाम में डिफाइन कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये एक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो एक ब्रांच है इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर ये यूनिट जो है वो फोकस किया हुआ है। तो इसमें, इस जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो फर्स्ट यूनिट है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो नाम है, जो टॉपिक है, दैट इज़ डीसी नेटवर्क। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो वहाँ पर आएगा, तो उसमें यदि हम बात करें तो जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डीसी, तो डीसी नेटवर्क मतलब हम कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसको हम डीसी सप्लाई पर एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। और जब भी हम मेंशन करेंगे एसी नेटवर्क, तो जो भी नेटवर्क रहेगा उसमें हम एसी सप्लाई पर वर्क करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा एसी नेटवर्क का जो भी एक टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में आगे आगे फ्रेम हुआ है, तो जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ दी डीसी नेटवर्क। तो ये जो डीसी नेटवर्क का जो हमारा ये टॉपिक है, तो जो फर्स्ट मिनट हमारा है इसमें सबसे पहला जो पॉइंट डिफाइन किया हुआ है इंट्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा हमें उसका जो उसके ऑल जो बेसिक स्टम्स हैं उसको हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें ब्रांचेस होती हैं, नोड होते हैं वहाँ पर, ठीक है, लूप होता है, मैश होता है, तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं इसको हम डिस्कस करने जाएंगे जब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क।
इसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा उसमें जो एलिमेंट्स हैं वी कैन क्लासिफाई इन दिस एक्टिव, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव, यूनिलैटरल, बाईलैटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, लम्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। सो ऑल दिस बेसिक एलिमेंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोन। जब हम क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक ना केवल हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि जब आगे जाके हम कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस देते हैं तो वहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम होते हैं। स्पेशली मैं आपको बताता हूँ जो ये लीनियर पार्ट है, लीनियर, नॉन लीनियर, ये जो है बाईलैटरल, यूनिलैटरल, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो इसी जो हमारा फर्स्ट यूनिट में आगे डिफाइन किया हुआ है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओम्स लॉ, ओम्स वॉज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये ओम्स लॉ दिया हुआ है। इस साइंटिस्ट, ओम्स साइंटिस्ट के बारे में, ओम्स जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं उनके बारे में जानने के लिए हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। यदि आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट वीडियो जो है इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट आप देखेंगे तो उसमें हमने थोड़ा बहुत बताया हुआ है जॉर्ज साइमंस ओम्स के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ से उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जॉर्ज साइमंस ओम ने जो लॉ दिया है इसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इज़ द बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और जो इम्पोर्टेंट लॉ है हमारे लिए किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं जब हम देखेंगे तो एक आएगा किरचॉफ्स करंट लॉ और एक आएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो किरचॉफ ने दिया हुआ है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये हम डिस्कस करेंगे इन दी किरचॉफ्स लॉ में। आगे आएगा हमारा मैश एंड नोडल एनालिसिस। किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये दो मेथड अडॉप्ट करेंगे, मैश और नोडल एनालिसिस। ये कैसे है, ये कैसे वर्कआउट होगा, हम इसको आगे वीडियो में देखेंगे। इसके बाद है यहाँ पर हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे स्टार फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टार सर्किट, और कुछ जो सर्किट होते हैं वो डेल्टा फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा सर्किट। एग्जैक्ट वे में ये स्टार सर्किट क्या है, डेल्टा सर्किट क्या है, जब ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा, तो हम इसको वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट एक और जो टॉपिक है हमारे इस फर्स्ट यूनिट में, दैट इज़ द थ्योरम्स। थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो थ्योरम मेंशन किया गया है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो फर्स्ट यूनिट है हमारा डीसी नेटवर्क में, वो मेंशन किया है सुपरपोजिशन थ्योरम, थैनविन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो बेसिकली एज पर दी यदि हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको बेसिकली चार थ्योरम जो है यहाँ पर इसको डिस्कस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ये जो थ्योरम जो मेंशन किया हुआ है, ये जो थैनविन थ्योरम है, स्पेशली थैनविन एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये जो दो थ्योरम है ये ना केवल हमारे इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि आगे जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आगे जब हम और हायर स्टडीज़ के लिए या हायर एग्जामिनेशन लाइक हम जा रहे हैं फॉर गेट और इधर हम जा रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसके लिए भी हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो दिस टू थ्योरम्स इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर अस for our engineering course but also important to fight for higher competitive examinations. तो हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरम क्या होता है, इस थ्योरम्स के यूज़ से हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो हमें इस यूनिट के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है, दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। हमारा जो सर्किट होता है उसमें इंडिपेंडेंट सोर्स भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकता है, तो इस यूनिट में स्पेशली मेंशन किया हुआ है ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स। तो जो भी हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, हम डिस्कस करेंगे ओनली फॉर द इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है
एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डीसी नेटवर्क, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही आगे डिस्कस करेंगे।